हिंदुवादी नेता के लिए साध्वी प्रचारी आर्या के लिए और जेएनयू को लेकर बड़ा बयान आया है और साध्वी प्रचारी के जेएनयू में से वे फीस वृद्धि को लेकर भी उन्होंने प्रदर्शन पर बोलते हुए कहा है कि लाखों रुपए के मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोग व 300 रुपए के लिए हम दावा कर रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए फीस कम नहीं होनी चाहिए बल्कि वह जाँच होनी चाहिए क्योंकि ऐसे छात्र देश विरोधी और वह गतिविधियों में से शामिल मिल सकते हैं और वह लाखों रुपए के मोबाइल लेकर वह सिर्फ मोदी को बदनाम करके वह साजिश कर रहे हैं और ये लोग मोदी को बदनाम कर रहे हैं। और वही प्रचारी आर्या के लिए कहा है कि बल्कि ऐसे लोगों को फीस कम नहीं होनी चाहिए इसके योग्य है और वह हिंदुस्तान है और वह ऐसे लोग विवेकानंद के लिए वैसे भी चुप तोड़ रहे हैं और इन सबको भी जाँच होनी चाहिए। वही जिन लोगों के अंदर में से जेएनयू के राष्ट्रीय विरोधी बैग कीड़े पनप रहे हैं उनको भी वह सरकार को जांच करवाकर कार्रवाई करती है। अभी जो चल रहा है जेएनयू के अंदर, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है, जो बच्चे 1.5 लाख का मोबाइल ले रहे हैं वो 300 रुपए फीस नहीं भर रहे। आखिर इस सरकार को बदनाम करने के लिए मोदी जी को किस तरह से बदनाम किया जाए? उन लोगों का ये प्रोपगंडा है, लाखों लाखों रुपए के मोबाइल रखते हैं और 300 रुपए की फीस जमा करने में वो कोताही करते हैं, उसके लिए प्रोपगंडा करते हैं, सड़कों पर उतरते हैं। ये जेएनयू के अंदर जो बच्चे फीस वास्तव में नहीं दे सकते उनकी फीस माफ होनी चाहिए, सरकार को करनी चाहिए, और जो लोग बच्चे लाखों रुपए के मोबाइल रखते हैं उनकी फीस माफ नहीं होनी चाहिए। वो केवल और केवल जेएनयू को बदनाम कर रहे हैं और उनकी कहीं न कहीं देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता है, उनकी जांच भी होनी चाहिए। जो वास्तव में पढ़ने के लिए जेएनयू में आते हैं उनके लिए सरकार को हर संभव प्रयास करके उनको मदद करनी चाहिए। जो बच्चे वास्तव में पढ़ने वाले हैं, होनहार बच्चे, इंटेलिजेंट बच्चे, सरकार को उनकी हर तरह से उनकी मदद करनी चाहिए। और जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते, जेएनयू के अंदर केवल और केवल गुंडागर्दी करना चाहते, उन पर जरूर सरकार को चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए